हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाटा कैपिटल होम लोन कैसे लें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं और आपके पास पैसों की कमी है तो आप टाटा कैपिटल होम लोन से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको टाटा कैपिटल होम लोन के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। दोस्तों, टाटा कैपिटल होम लोन इंटरेस्ट रेट 8.95% एनुअली से शुरू होती है। टाटा कैपिटल से आप 5 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक का होम लोन प्राप्त कर सकते हैं। ये होम लोन आप 30 सालों की अवधि के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति घर या फ्लैट खरीदने, घर या घर बनाने या फिर घर के रिन्यूअल के लिए होम लोन ले सकता है। टाटा कैपिटल होम लोन के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। टाटा कैपिटल आपको आपके होम लोन बैलेंस को ट्रांसफ़र करने की भी सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, आप अपनी सुविधा के अनुसार होम लोन की अमाउंट, लोन पीरियड और ईएमआई की पीरियड को चुन सकते हैं। अगर आप टाटा कैपिटल के मौजूदा कस्टमर हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट में छूट प्राप्त हो सकती है। कस्टमर टाटा कैपिटल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। 200 टाटा कैपिटल से आप 5 करोड़ रुपये तक का होम लोन ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हर कोई इतने लोन अमाउंट तक लोन प्राप्त कर सकता है। 200 लोन की अमाउंट आपकी इनकम, सिबिल स्कोर जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। टाटा कैपिटल आपको मिनिमम प्रोसेसिंग चार्ज और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पर होम लोन की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, टाटा कैपिटल होम लोन की इंटरेस्ट रेट 8.95% एनुअली से शुरू होती है। जो टाटा कैपिटल के मौजूदा कस्टमर्स हैं उनको कम ब्याज दर पर भी ये होम लोन मिल सकता है। टाटा कैपिटल कस्टमर्स को फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों इंटरेस्ट रेट पर होम लोन प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप घर खरीदने, घर के निर्माण के लिए या फिर घर के रिन्यूअल के लिए टाटा कैपिटल होम लोन ले सकते हैं। आप अलग अलग कार्यों के लिए टाटा कैपिटल से होम लोन ले सकते हैं, जैसे कि प्लॉट की खरीद के लिए, रेडीमेड होम की खरीद के लिए, घर के निर्माण के लिए, घर के एक्सटेंशन के लिए, घर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, रिन्यूअल के लिए, या फिर आप टाटा कैपिटल से कोलेटरल लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें टाटा कैपिटल होम लोन के फीचर्स और बेनिफिट्स की, तो दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से टाटा कैपिटल की ऑफिशियल वेबसाइट tatacapital.com पर जाकर ऑनलाइन इस होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होम लोन की अमाउंट काफ़ी हद तक आपके होम लोन की कैलकुलेशन पर निर्भर करती है, जिसकी कैलकुलेशन आपके सिबिल स्कोर, इनकम, रोजगार का प्रकार, इसी टाइप के फैक्टर्स पर निर्भर करती है। आपके एप्लीकेशन की पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद लोन की अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। दोस्तों, जिस दिन आपको पूरा लोन डिसबर्समेंट प्राप्त हो जाता है उसके 1 महीने बाद आपकी मंथली किस्त शुरू हो जाती है। आपको होम लोन को चुकाने के लिए मंथली आधार पर इक्वल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना होता है। आप अपने होम लोन का फोरक्लोज़र या प्रीपेमेंट भी कर सकते हैं। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के मामले में लोन का प्रीपेमेंट करने पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, लेकिन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के मामले में आपको चार्ज देना होता है। दोस्तों, बात करें टाटा कैपिटल होम लोन के लिए को एप्लीकेंट की, तो दोस्तों आपको अपने होम लोन में को एप्लीकेंट को जोड़ना कंपलसरी होता है। को एप्लीकेंट वो व्यक्ति होता है जो होम लोन को चुकाने के लिए प्राइमरी बोरोअर यानी कि मुख्य उधारकर्ता की तरह ही समान रूप से जिम्मेदार होता है। को एप्लीकेंट आपके परिवार का सदस्य या फिर आपका जिनसे ब्लड रिलेशन है वो हो सकते हैं। दोस्तों, एक होम लोन में आप 6 को एप्लीकेंट जोड़ सकते हैं। बात करें को एप्लीकेंट कौन कौन हो सकते हैं, तो को एप्लीकेंट हस्बैंड, वाइफ, मदर, भाई जो नाबालिग नहीं है, बहन जो नाबालिग नहीं है, बेटा जो नाबालिग नहीं है, बेटी जो नाबालिग नहीं है, इनमें से किसी को भी आप को एप्लीकेंट के तौर पर जोड़ सकते हैं। दोस्तों, बात करें टाटा कैपिटल होम लोन की एक्सेप्टेंस में लगने वाले समय की, तो दोस्तों होम लोन की एक्सेप्टेंस में लगने वाला समय इस बात पर निर्भर करता है कि आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं या बिजनेसमैन हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपका लोन 4 से 5 वर्किंग डेज में एक्सेप्ट हो जाता है। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो आपका लोन 7 से 8 वर्किंग डेज में एक्सेप्ट हो जाता है। दोस्तों, बात करें टाटा कैपिटल होम लोन पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट की, तो दोस्तों इनकम टैक्स ये एक्ट 80C के तहत आपको होम लोन पर टैक्स बेनिफिट का लाभ प्रोवाइड किया जाता है।
दोस्तों बात करें टाटा कैपिटल होम लोन के प्रीपेमेंट की, तो दोस्तों लोन की टाइम पीरियड से पहले आप अपने होम लोन का टोटल या पार्सल पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर होम लोन लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं देना होता है। दोस्तों टाटा कैपिटल से आप ज्वाइंट होम लोन भी ले सकते हैं। ज्वाइंट होम लोन की स्थिति में को एप्लीकेंट की इनकम और लोन की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। बात करें आप किन लोगों के साथ ज्वाइंट होम लोन ले सकते हैं, तो दोस्तों आप अपने माता पिता, अपने लाइफ पार्टनर, अपने बच्चों या फिर अपने भाई बहनों के साथ टाटा कैपिटल ज्वाइंट होम लोन ले सकते हैं। दोस्तों बात करें टाटा कैपिटल कितने प्रकार के होम लोन्स आपको प्रोवाइड करता है, तो दोस्तों टाटा कैपिटल फिनांस कई प्रकार के होम लोन्स कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, जैसे कि टाटा कैपिटल होम एक्सटेंशन लोन, टाटा कैपिटल अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, टाटा कैपिटल NRI होम लोन्स इत्यादि। दोस्तों बात करें टाटा कैपिटल होम लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसके लिए एप्लीकेंट की एज 24 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए। दोस्तों टाटा कैपिटल होम लोन के लिए सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या बिजनेसमैन सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका सिविल स्कोर 750 या इससे अधिक होना चाहिए। बात करें टाटा कैपिटल होम लोन के लिए वर्क एक्सपीरियंस की, तो दोस्तों इसके लिए सैलरीड पर्सन के लिए 2 सालों का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए 3 सालों का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और NRIs के लिए 3 सालों का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों टाटा कैपिटल होम लोन लेने के लिए आपकी मिनिमम मंथली इनकम 30,000 रुपये होनी चाहिए। आप टाटा कैपिटल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपनी लोन की एलिजिबिलिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बात करें टाटा कैपिटल होम लोन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की, तो दोस्तों इसके लिए आपके एज प्रूफ की ज़रूरत होती है। एज प्रूफ के तौर पर आप अपने वैलिड पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है तो उसकी कॉपी, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से किसी एक की कॉपी दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके फ़ोटो ID प्रूफ की ज़रूरत होगी। फ़ोटो ID प्रूफ के तौर पर आप अपनी वोटर ID कार्ड की कॉपी, वैलिड पासपोर्ट की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से किसी एक की कॉपी दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होगी। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप अपनी यूटिलिटी बिल की कॉपी, बैंक डिटेल, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के टैक्स की रिसिप्ट, वोटर आईडी प्रूफ, इनमें से आप किसी एक की कॉपी दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट प्रूफ की कॉपी की ज़रूरत होगी। बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट प्रूफ के तौर पर आप अपनी बिजनेस स्टार्ट करने की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी, लेटर हेड पर आपका बिजनेस प्रोफाइल या फिर आप लास्ट 2 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपकी इनकम प्रूफ की कॉपी की ज़रूरत होगी। इनकम प्रूफ के तौर पर आप अपनी लास्ट 6 महीने की करेंट अकाउंट डिटेल की कॉपी, लास्ट 3 सालों की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट की कॉपी आप दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपने किसी दूसरे बैंक से कोई लोन ले रखा है तो उस लोन की डिटेल आपको बैंक को देनी होगी। दोस्तों इसके अलावा आपको प्रोसेसिंग चार्ज चेक भी देना होगा। दोस्तों बात करें आप टाटा कैपिटल होम लोन के लिए कैसे अप्लाई करें, तो दोस्तों अगर आप इस होम लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप इस होम लोन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें टाटा कैपिटल होम लोन के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको टाटा कैपिटल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको होम लोन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपके सामने होम लोन से जुड़ी हुई सारी जानकारी सामने आ जाएगी। आपको इस पेज पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आप जरूरी डिटेल इंटर करके अपने फॉर्म को आप सबमिट कर दें। दोस्तों फॉर्म को सबमिट करने के बाद बैंक आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और लोन की प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों बात करें टाटा कैपिटल होम लोन के लिए ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको टाटा कैपिटल की नज़दीकी ब्रांच में जाना होगा। ब्रांच में जाकर आपको ये जानकारी देनी होगी कि आप टाटा कैपिटल होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों इसके बाद वहाँ का एम्प्लॉई आपको होम लोन से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपको अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे।
उसके बाद बैंक के ऑफिशियल्स उस प्रॉपर्टी का दौरा करेंगे जिसे आप खरीदना चाहते हैं या फिर जहां पर आप अपना घर बनाना चाहते हैं। दोस्तों सभी प्रोसेस पूरी होने के बाद आपका लोन अप्रूव हो जाता है। दोस्तों लोन अप्रूव होने के बाद लोन की अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके बाद आप अपनी लोन की अमाउंट को अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि टाटा कैपिटल होम लोन कैसे लें और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।